सो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे इंस्टाग्राम पे आप पैसे कमा सकते हो इस वीडियो में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि ये वीडियो आपके डिमांड पे थी, आपने कहा तो मैंने बनाया, राइट। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग मुझे बोलने लगे, सर अभी मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया है और मतलब अभी बस स्टार्ट ही किया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ है और मेरे पास 100 फॉलोअर्स है, मेरे पास 1,000 फॉलोअर्स भी नहीं है। क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो बात थी वो 1,000 फॉलोअर्स के बिलो थी, ठीक है, और अब कह सकते हो कि 1,000 फॉलोअर्स पे डिपेंड थी। तो बहुत सारे लोगों के पास 1,000 फॉलोअर्स नहीं है, तो उसके लिए ही आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो आपको बहुत जरूरी है स्टेप बाय स्टेप समझना कि हाउ टू गेट 1K फॉलोअर्स फास्ट इन जस्ट 7 डेज। यस गाइस, अगर आप 7 दिन तक ये चीज कंटिन्यू करोगे तो 100% आप 1K फॉलोअर्स लेके आओगे। ठीक है, एकदम इजी, जो मैं बताऊंगा उसको बस फॉलो करना है। तो हाउ टू गेट 1K फॉलोअर्स फास्ट ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स गो ऑन इंस्टाग्राम। सो हम लोग आ चुके हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो और अगर ये वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच, तो आपको सारा बिजनेस समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ मैं बताने वाला कि फास्ट कैसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ग्रो कर सकते हो 1K फॉलोअर्स, ठीक है। 1K की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10K और 100K की बात नहीं कर रहा हूँ, 1K फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा इजी है ऑन इंस्टाग्राम आज के समय में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलूंगा, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में। और प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन और आपके मोटिवेशन से मैं ये अच्छे अच्छे वीडियोज और वाव ला के आपको शो करता हूँ कि आपको थोड़ी वैल्यू मिल सके मेरी वीडियोस से और आप थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सके अपने लाइफ में इन वीडियोस से और थोड़ा सा ग्रो कर सके। तो प्लीज लाइक कर दो, बिल्कुल भी फ्री है, फ्री 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 है, और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। तो अब गाइज हम लोग बात करते हैं आगे। देखो, एक चीज होती है, मोर यू गिव मोर यू गेट, ओके, ये चीज आप समझते होगे, तो इस चीज को लिख के रख लो, मोर यू गिव मोर यू गेट, ओके। ये चीज बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा काम आती है सोशल मीडिया पे और खासकर इंस्टाग्राम पे, मोर यू गिव मोर यू गेट, राइट। तो गाइज देखो क्या होता है, स्टोरी का जो गेम होता है वो बिल्कुल ही अलग गेम होता है, ठीक है। जो स्टोरीज से जो चीजें होती हैं, सेल हो गया, बिजनेस चलाना हो गया, फॉलोअर्स गेन करना हो गया, वैल्यू देना हो गया, तो स्टोरी से जो होता है वो बिल्कुल भी डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। लेकिन फीड से जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। कोई फीड्स का मास्टर होता है, कोई स्टोरीज का मास्टर होता है, ठीक है। मतलब जो कोई फीड से अपनी सारी चीजें गेन करता है, कोई स्टोरीज से अपनी सारी चीजें गेन करता है, तो दो अलग अलग डिफरेंट गेम है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं फीड्स पे, ठीक है, फीड्स पे आपको कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप यहाँ मेरे, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे 1,000 जो फॉलोअर्स वो मेरे बिजनेस रिलेटेड फॉलोअर्स हैं, तो वो मैंने अपने फीड से गेन किया है, ठीक है, किससे, फीड से। अब थोड़ा 1,000 के ऊपर आ गया हूँ तो अब मैं स्टोरी पे ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन फीड से ही मैंने ये सारी चीजें गेन की। तो अब गाइज करना क्या है, देखो एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। देखना, जब भी कोई बंदा जीरो टू हीरो बनता है, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनता है, तो वो एक चीज बोलता है कि मैंने इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है एक्चुअली, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा, तो इसका तो अगर हिंदी में मतलब निकालूं मैं तो ये होगा कि पीछे से इंजीनियरिंग करना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है रिसर्च करना कि एक बंदा कैसे वहां तक पहुंचा, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। पीछे से इंजीनियरिंग करना ये अलग बात है, और एक मतलब एक केस स्टडी करना, एक बंदे पर केस स्टडी करना है कि वो जीरो टू हीरो कैसे गया, उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, मोर यू गिव मोर यू गेट, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग, जो भी आपका नीश है, ठीक है, मान लो हम लोग का नीश मोटिवेशन है, ठीक है, किसी का टैक है, किसी का अलग से ही फोन, आईफोन है, आईफोन है, ठीक है, किसी का मैकबुक है, किसी का ज्वेलरी है, किसी का टी शर्ट है, क्लॉथ है, तो अपने अपने नीश, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने टॉप पेजेस पहले फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो फाइंड करते हैं, मेरे टॉप पेजेस मोटिवेशनल ना, मोटिवेशनल। सो गाइस मोटिवेशनल कोट्स, यहाँ पर एक हैशटैग आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा और हम लोग जाएंगे देखेंगे पेजेस। देखो सबसे पहले तो ये जो टॉप होती है ना, ये टॉप पोस्ट, यहाँ 9 पोस्ट होती है टॉप में, ठीक है, ये दो, 3, 3, 6 और 3, 9,
ये 9 पोस्ट वो होती है जो डेली रैंक करती है, ठीक है, 9 पोस्ट टॉप में रैंक करती है डेली। तो यहाँ अगर आप रैंक करोगे तो 100% आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है ये उन पेजेस की हो जो बहुत ज्यादा टॉप में है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये आपकी भी पेज हो सकती है। आपको बस बेस्ट पिक लेके आना है। वो कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से भी आप अपनी एक कोई अच्छी सी पिक उठाकर डाल सकते हो, जैसे कि ये समझ लो ये जो पिक्स हैं ये ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। तो ये वाली जो है काफी अच्छी है, ठीक है, इसको, हाँ, 1500 125 100, तो गाइस देखो ये जो पिक है ये काफी अच्छा ऊपर अभी चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है। गेट अप अर्लियर स्टे लॉन्गर वर्क हार्डर फेल अगेन नेवर नेवर एवर क्विट, ठीक है। तो ये जो है इसको आप क्लिक करके इसको आप पिक कर सकते हो, ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक्सटेंशन आता है डाउनलोड करके, उसको आप यहाँ अपने पीसी में भी लगा सकते हो या स्क्रीन शॉट लेके, सबसे अच्छा अगर आप मोबाइल में चला रहे हो स्क्रीन शॉट लो और फिर अपलोड कर दो। अब क्या होगा गाइस, देखो आपको क्या करना है, ये फोटो को आपको निकाल लेनी है, ठीक है, जो टॉप की फोटोज है उनको निकालनी है, जरूरी नहीं है आपको हमेशा यहाँ आके ढूंढना है। अभी एक और तरीका बताता हूँ ढूंढने का, तो आपको ये फोटो निकाल लेनी है। ये फोटो निकालने के बाद यहाँ से आपको सिर्फ 21 हैशटैग, यस, अगर देखो बहुत लोग बोलेंगे आपको हैशटैग यूज नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगा यूज करो, करके देखो काम करती हैं चीजें, ठीक है। 21 हैशटैग निकालो, 21 हैशटैग अच्छे अच्छे अपने नीश से रिलेटेड, ठीक है। अगर मेरा कपड़ा है तो कपड़े से रिलेटेड, ये नहीं कि मेरा कपड़ा और मैं मोटिवेशनल डाल रहा हूँ, तो वैसे आपको एक्टिव फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, वो फॉलोअर्स आएंगे थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो नीश है वो डिफरेंट है और वो दूसरी चीज चाहते हैं, तो वो थोड़े दिन बाद चले जाएंगे और वो आपके बिजनेस में फिट भी नहीं बैठेंगे। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही चीजों को डालना है, ठीक है। तो आपको 21 ऐसे हैशटैग चुनने हैं और इस फोटो के साथ डालना है, और प्लस एक कैप्शन डालना है और प्लस एक कॉल टू एक्शन डालना है। कॉल टू एक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉल टू एक्शन शो, तो देखो यहाँ मैं भी आपको कॉल टू एक्शन शो करता हूँ क्या चीज होती है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता रहा हूँ कि कॉल टू एक्शन, मैंने एक चीज कही थी कि देखो अभी कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक से, तो कमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ कॉल टू एक्शन डालना है, सो आर यू फाइटर और लूजर, इस टाइप का कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी पिक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डिस्क्राइब करनी चाहिए, तो प्लीज उसको थोड़ा बड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करो। यहाँ तो मैंने नहीं किया है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज है तो अगर अगर आपके पोस्ट में है तो उसको ब्रीफ डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। एक सेकंड मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी पोस्ट में किया होगा, तो उससे क्या होता है दोस्त, उससे एक इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। एक अच्छा देखो जैसे कि यहाँ मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्राइब करने की कोशिश करो कि ताकि आपके लोग जब लोग आपके पोस्ट पे आए तो उसको पढ़ने में टाइम लगाए, क्योंकि गाइस देखो सेंसर हर कुछ सेंस करते हैं कि लोग कितना आपके पोस्ट पे टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या है इंगेजमेंट बढ़ता है। तो वहाँ एक कॉल टू एक्शन रखो और उसके बाद थोड़ा सा पोस्ट में डिटेल डालो और अपने 21 हैशटैग या तो अपने यहाँ पर यूज करो जहाँ जहाँ आपने फोटो डाली है और अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, या तो कमेंट में डालो, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। बहुत लोग आप लोग बोलेंगे कि कमेंट में डालो तो उसमें डालो, लेकिन दोनों ही बेस्ट है, आप दोनों पे ही यूज करके देख सकते हो, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि आप कोई भी बॉट यूज मत करो, कोई भी बॉट यूज मत करो, याद रखो, ठीक है। अब ये वो जमाना गया कि हैक कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब सिर्फ कहने की बात होती है गाइस। कोई भी आज तक हैकिंग और बॉट यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा के बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया है, ठीक है। मैं अब पहले भी बोला हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, मतलब फालतू बातें हैं कि मैं हैकर लूंगा, वो फालतू नहीं बैठे हैं, ठीक है। वो फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन लोग बेस्ट से बेस्ट लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। उन लोग इतने बड़े चूतिया नहीं है कि आपको कोई बोल देंगे बॉट यूज करो और किसी हैकर को बैठा वो आपको लाके फॉलोअर, सब फालतू होता है, ठीक है। जैसे कि अभी यूट्यूब को ये सब चीजें पता चली तो यूट्यूब एक्शन में आया, तो देखा देखा ना आपने कि कई लोगों के 20-20, 30-30 हज़ार फॉलोअर्स गायब कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये लोग बार बार यही सब कर रहे थे कि फेक फॉलोअर्स दे रहे थे, उसके वजह से यूट्यूब को ये एक्शन लेना पड़ता। तो चीजों जो फेक चीजें हैं उनके पास बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि देखो जैसे कि बड़ी मोटिवेशनल पेजेस को मैं ढूंढता हूँ पहले, मोटिवेशनल डायरी, ओके, फर्स्ट वन, ओके, 1 मिलियन, राइट, इट्स गॉट इट, ओके, बिलियन,
नेल्स, नो इट्स नॉट, बिल्ड इन योर माइंडसेट, ओके गॉट इट, गॉट बिल्ड इन योर स्कूल, बिलियन लेडीज, ओके इट्स आल्सो गुड, इट्स आल्सो गुड, बिलियन सीज, सो आल्सो गुड पेज, ओके सो नाउ वी हैव सम पेजेस, ओके 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड जीरो फॉलोइंग। अगर आपका हिंदी का है पेज, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल इनके जो बेस्ट पोस्ट है उनको आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ कितना, 1,252, 4 कमेंट बिल्कुल बेकार, ये पूरे फॉलोअर्स फेक है 100%, ठीक है। 2,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, ये पेज डेड है, ये पेज डेड है 100%, ये पेज डेड है, फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, ओके। सो डोंट फॉलो दिस टाइप ऑफ पेजेस। नेक्स्ट हम लोग कोई देखते हैं, कोई अच्छा पेज, माइंडसेट, माइंडसेट, मोटिवेशनल माइंडसेट, ओके दिस इज आल्सो गुड पेज, ओके मोटिवेटेड माइंडसेट, ओके 656K फॉलोअर, 6 लाख से भी 6.5 लाख फॉलोअर्स, ओके हाँ, ओके 54K, देखो 54K व्यू, इट्स गुड फॉर यू, हार्ड वर्क वर्सेस वर्किंग स्मार्ट, ठीक है। ये काफी अच्छी वीडियो है जो आपको काम कर सकती है। देखो इसमें इतना सारा लाइक, सॉरी व्यू है 54,000, तो मतलब ये वीडियो आपके जो फीड्स है, अगर आपका मोटिवेशन कोड है तो वहां बहुत अच्छा काम करेगी। तो इस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, ओके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं डाउनलोड करने के, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या गलती की है इन लोगों ने, इन लोगों ने ना तो कॉल टू एक्शन, चलो कॉल टू एक्शन है लेकिन एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है, टैग समवन ये भी ठीक है, लेकिन देखो टैग हो गया, लाइक करो और ये सब जो चीजें हैं ना वो आजकल फेसबुक पसंद नहीं करता, तो ये सब चीजें मत लिखो फेसबुक। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम वो फेसबुक ही हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें पसंद नहीं है इंस्टाग्राम को, तो ये सब चीजें मत लिखो। और आप ऐसा लिख सकते हो, मेंशन बिलो योर नेम, मेंशन योर फ्रेंड नेम, हु इज वर्किंग हार्ड, हु इज वर्किंग स्मार्ट, तो ये सब आप लिख सकते हो, बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और इस फोटो को आप चुन सकते हो। ऐसे करके देखना आपको कौन सी, देखो 13,000, ठीक है, व्यू है, तो इस फोटो को भी आप, इस वीडियो को भी आप पिक कर सकते हो, 22.3K, इसको आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट रिच बट स्टिल अफोर्ड टू गिव यू अ ब्यूटीफुल लाइफ, अप्रिशिएट देयर सेक्रीफाइस, तो ये भी काफी अच्छा है। तो ऐसे को, ऐसा जो मतलब जो टॉप के पोस्ट हैं ये 22.1K, तो ऐसे जो पोस्ट हैं उनको आपको पिक करना है और अपने पेज में डालना है अकॉर्डिंग टू योर नीश, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, और इनके इनके आप वो जो जैसे कि यहाँ जो वो चीज़ है ना, हैशटैग्स, हैशटैग इन लोगों ने यूज नहीं किया, आई थिंक कमेंट में किया होगा, तो कमेंट से या इनके जितने भी हैशटैग हैं उनको आप कॉपी करके अपने पे डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि जो हैशटैग होता है वो टॉप में जाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, तो इससे करके भी आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, ये पेज देखते हैं, लेट्स गो 215K, ओके नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, ये देखो यहाँ 131 कमेंट, मतलब ये मोस्ट इंगेजिंग पिक है, तो आप इसको भी पिक कर सकते हो। देखो इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको आप रिप्लाई भी दे सकते हो अगर ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो यहाँ आपको एक कॉल टू एक्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ याद रखना, जिसमें कमेंट ज्यादा हो, जिसमें लाइक ज्यादा हो, उन पोस्ट को आपको पिक करना है और अपने उसमें डालना है फीड्स में, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो जिनके पास क्लॉथ्स का ब्रांड है वो यहाँ से फोटोज को पिक कर सकते हैं, अपने डाल सकते हैं। जो मोस्ट इंगेजिंग फोटो है उसको पिक करो और अपने पोस्ट में डालो, जो मोस्ट इंगेजिंग है और जो टॉप के पेजेस हैं, हर पेजेस पे नहीं, जो टॉप के पेजेस हैं, यहाँ से भी आपको वैसे ही करना है। तो ऐसे करके आप काफी तेजी से फॉलोअर्स बना सकते हो। और एक तरीका लास्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक चीज ये है कि एक काम कर लो कि जो टॉप के पेजेस हैं उनकी नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, और जैसे ही वो कोई पोस्ट डालते हैं तो जाके वहाँ under 10 कमेंट्स के अंदर, या तो under 5 कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट्स वहाँ दे दो, और एक बड़ा सा कमेंट दो। क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखना मोस्टली क्या होता है, जो लोग जैसे ही पोस्ट आती है उसके बाद तुरंत तुरंत कमेंट करते हैं, उनका कमेंट वो टॉप में जाता है, तो उससे क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा आपके कमेंट को लाइक करते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपके पोस्ट पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो जब दो रिलेटेड रिलेटेड सॉरी आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, और जब दो रिलेटेड एक जैसे
हम दो प्रोफाइल रहेंगे तो 100% चांस है कि ये बंदा अगर इस प्रोफाइल को लाइक कर रहा है, अगर आपके पास कंटेंट है तो वो आपके यहाँ पर आएगा, आपके प्रोफाइल पे जरूर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बेस्ट कंटेंट को पिक करो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बेचते भी हैं, मतलब ऐसी फोटोज उन लोगों ने पहले से कलेक्ट करके रखी है जो मोस्ट इंगेजिंग है, $5 $10 में वो 200 300 400 पोस्ट आपको दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप फटाफट आप क्या करोगे, आप फटाफट पोस्ट डाल सकते हो, हैशटैग यूज करके, कॉल टू एक्शन और छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बस ये तीन चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इन तीन चार चीजों से आप बहुत अच्छा फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। देखो गाइज, अगर आप बोलोगे कि ऐसे नहीं होता, तो ऐसा होता है, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ। आप करके देखो, रिजल्ट आएगा। और प्लीज नीचे रिजल्ट जब आया तो नीचे आया करो, कमेंट करके बताया करो, ताकि लोगों को भी समझ में आए ये चीजें काम करती हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, तो ये चीजें काम करती हैं, एक बार करके देखो। बहुत ज्यादा ईजी है ये जो चीज मैं बताया हूँ, और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ना कि कोई बॉट बता रहा हूँ, ना कोई वो यूज करना बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं हैक वैक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप अगर एक बार यूज करोगे तो 100% इसका फायदा आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज लाइक करके जाना, नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना, और एक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज मैं लेके आऊँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।